अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि मैं हमेशा से स्टूडेंट्स के अपने काम करने को प्रमोट करता हूं और बहुत ज़्यादा इनक्रेज करता हूं। तो रिसेंटली मैं राहिल के साथ में गुजरते हुए मैंने सोचा कि आइसक्रीम खाऊं, तो राहिल ने मुझे बताया कि हमारे एक स्टूडेंट ने यहां पे एक फ्रेंचाइज ली है, बन बरी एक्सप्रेस है, राहिल बन बरी एक्सप्रेस के नाम से F7 में। तो हम उधर रुके हैं, अभी हम थोड़ा सा कुछ खाने पीने लगे हैं। उन्होंने आइसक्रीम का बहुत अच्छा कोई स्टाइल शुरू किया है, तो मैं ज़रा रुक के थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ को अपने स्टूडेंट को इनक्रेज करने के लिए। मेरे स्टूडेंट जुनेद हैं, वो अभी तक आए नहीं हैं, वो आ रहे हैं, हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। तो थोड़ी देर में फिर आइसक्रीम भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं अभी देख रहा हूँ मेन्यू, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत लंबा मेन्यू है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या ऑर्डर करूँ। तो अब देखते हैं कि क्या किस तरीके। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुनेद? खैरियत से? आज हमने सोचा कि आपको छापा मारा जाए, थोड़ा सा गपशप की जाए। आए, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने स्टार्ट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आपको पता है कुछ स्टूडेंट स्टार्ट करे तो बहुत ही खुशी होती है। और हम यही मेन्यू देख रहे थे कि क्या, हाँ काफ़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, काफ़ी आपने सुना आइसक्रीम भी शुरू की है कोई, तो वो भी आज ट्राई करेंगे। तो क्या खास क्या चीज़ है इसमें खाने के लिए? हाफ के जी रैप है, अच्छा, हमारा मॉन्स्टर स्मैशर है, अच्छा। तो आप क्या खाते होते हैं जब आप? मैं तो रैप्स और अपना मॉन्स्टर स्मैशर जो हमारा बीफ में आता है। अच्छा अच्छा, और गर्मी ज़्यादा तो मिंट मार्गिटा वगैरह भी। मिंट तो पहले मंगवाए ना, मिंट तो हम पीते ना। तो बाकी मेरा ख्याल है कि वही जो रैप है वही मंगवा लेते हैं, रैप से स्टार्ट करते हैं, फिर आइसक्रीम की तरफ उसके बाद। हाँ ठीक हो गया, ज़बरदस्त, चलें ठीक। अच्छा, ये जो बन बरी एक्सप्रेस है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि ये पाकिस्तानी एक ब्रांडिंग है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स अब जो है मार्केट में आना शुरू हैं। जुनेद थोड़ा सा हमें बताएंगे इसका बैकग्राउंड कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ स्टोर्स हैं आपके और किस तरीके से? बन बरी एक्सप्रेस है, एक इनकी ब्रांच जो है वो सदर में है। अच्छा, इनकी ब्रांच जो है वो DHA बन में है। ठीक है, और आपके पास ये F7 वाली ब्रांच है? ठीक है, ज़बरदस्त। तो क्या इसमें लीडिंग, यही जो आपने रैप बताया ये आपका लीडिंग है? ये क्या चीज़ जो है वो हमारा रैप ही है। और सारी फ्रेंचाइज पे एक ही सब मेन्यू एक ही है? मेन्यू सेम है, आइसक्रीम और कुछ ड्रिंक्स वगैरह के अलावा। ठीक है, ठीक है, वो जो है ना वो इसके अलावा। ठीक है, तो ज़्यादा कौन लोग आते हैं? यंगस्टर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, या बाबे आते हैं मेरी तरह, कौन लोग आते हैं आपके यहाँ? असल में जो जो शाम की टाइमिंग होती है, जैसे मगरिब के बाद, उसमें ये होता है कि फैमिलीज वगैरह ज़्यादा होती हैं। अच्छा, 12 to 4 जो है वो हमारा स्टूडेंट्स वगैरह का रश थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, तो वो टाइम पर डिपेंड करता है। अच्छा, मुख्तलिफ टाइमिंग है, यानी दिन को स्टूडेंट्स होते हैं, शाम को फैमिलीज होती हैं। शाम को मिक्स होता है, फैमिलीज भी होती हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। वीकेंड्स पे जो है वो ज़्यादातर फैमिलीज होती हैं, जो ऑफ वीकेंड है उसमें हमारा स्टूडेंट्स भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं। तो रात को कितने बजे तक खुला रहता है? तो हमारा वैसे तो 2 बजे तक होता है, आजकल थोड़ा सा जो है टाइम है हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि टूरिज्म में भी जिस तरह आगे मरी वगैरह हो जाता है, तो वो उसका भी हमें थोड़ा सहज हो जाता है कि रास्ते में जो है ना वो होता है, लाहौर से आते हैं कराची, तो इधर तो वहाँ थोड़ा बढ़ भी जाता है, तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ये तो है। चलें जी, थोड़ा भी खाना आने लगा है, तो खाने की आपको चीज़ें बताते हैं, थोड़ा सा आपके राल टपकाते हैं आपके। ये दोस्तों चिकन आ गया, चिकन रैप, तो इसकी खुशबू ही जो है मेरा दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी है, इतने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप सोचें कि खाने में क्या चीज़ है। तो ये पूरा रैप है, इसके 2 हिस्से इन्होंने करके मुझे दिए, लेकिन ये मुझे डिफरेंट लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। जबरदस्त।
200 रैप तो मैं चट कर गया हूँ, अब आइसक्रीम की बारी है और वो आइसक्रीम बन रही है नाइट्रोजन आइसक्रीम, तो इसके बाद आइसक्रीम चटते हैं। ये आइसक्रीम बन रही है जी, हाय हाय, तो हाय 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 यार ये क्या हो रहा है, जबरदस्त यार, ठंडा ठंडा ये आइसक्रीम आ गई है, नाइट्रोजन आइसक्रीम। अब ये देखने में इतनी प्यारी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी होगी, मैं इसको हाथ लगाऊं तो कुछ होगा था नहीं, ओए भाई जबरदस्त यार जबरदस्त, तो मुझे स्पून स्पून भी दोने यार। और अगर आप चाहते हैं फेस को बाइंडिंग करते हैं तो हरीश भाई से खाते हैं। अमेजिंग यार, बहुत मजे के रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि वो दिन को चक्कर ज़रूर लगाएं। बनबेरी एक्सप्रेस है ये, F7 में बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, गौरमे के साथ, तो आप चक्कर लगाएं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खाना इनका कमाल का है, ऊपर से आइसक्रीम, ये तो चार चांद लगा दिए इसने, ठीक है। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।